पाकिस्तान में पीसीसी के जरिए तहकीकती सब कमेटी का सालाना इजलास। पीसीसी के तहकीकती इदारों के रिसर्च प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग दी गई। मजीद तफसीलात जानने के लिए रियासत जी अली बताइएगा। चूंकि पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के जरिए तमाम आज जो है सी सी राय मुल्तान में सालाना इजलास का इनका हुआ। इस इजलास का मकसद ये है कि चारों सूबों भर से जो पी सी सी की जो जेली तहकीकती इदारे उनके सरबराह ने शिरकत की और जिसमें ये चीज़ डिसाइड की गई है कि गुज़श्ता साल उन्होंने कपास के जो रिसर्च के और डिफरेंट जो तहकीकती प्रोग्राम उस हवाले से क्या उनकी कारकर्दगी रही है, उस हवाले से सरबराह ने ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ डायरेक्टर रिसर्च पी सी सी मौजूद हैं, उनसे पूछे सर क्या कहना चाहेंगे, गुज़श्ता साल की कारकर्दगी कैसी है और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक दिन की मीटिंग है, इसमें हमारे पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर हैं और जितने भी स्टेशंस के डायरेक्टर हैं हमारे आउटफील्ड के और ऐसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इदारे हैं, सूबे हैं, पंजाब और सिंध के सारे लोग हैं, जो कॉटन के हेड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और स्टेशन इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ हैं। जो चेंजिंग क्लाइमेट में, जो हाई पेस्ट सिनेरियो में, हाई रेनफॉल में, हाई टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छी पैदावार देने और अच्छी क्वालिटी की कॉटन प्रोड्यूस कर सकें, और मकसद होता है कि ओवरऑल किसानों को कैसे कितनी अच्छी एलीट वैरायटीज जो है हम दे सकें। आज के इजलास का मकसद भी यही है कि तमाम तर जो पीसीसी के अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।